अ बिग हेलो एवरीवन, आप अपने स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की, और आज हम इनकी लिखी हुई एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉरेन लैंड्स, एंड दिस वन इज़ एक्चुअली अ पोएम फ्रॉम क्लास सिक्स न्यू एस्टर एडवांस बुक। तो इससे पहले के जो भी प्रीवियस वीडियोज है क्लास सिक्स के वो मैंने पहले ही अपडेट कर दिए हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए मेरे साथ। इस पोएम से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस पोएम को शुरू करते हैं। ओके, तो अब अगर हम अपने बचपन को ही देखें तो हमने हमारे चाइल्डहुड में ज़रूर ही कुछ इमेजिन किया होगा। यहाँ तक कि मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं तो स्काइज़ को देखकर भी इमेजिन कर लेती थी कि इसमें एलिफेंट बना हुआ है, इसमें हॉर्स बना हुआ है, और ये पता नहीं क्या क्या मैं इमेजिन करती थी। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपने ऐसा कुछ इमेजिन किया है तो। ओके, तो देखिए ये जो पोएम है ये एक बच्चे की इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस पोएम में एक छोटा सा चाइल्ड है और वो एक टॉप ऑफ ट्री पर चढ़ जाता है, और वो ट्री है चेरी ट्री, और वो कुछ इमेजिन करता है। तो चलिए हम उसके इमेजिनेशन को अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अ चाइल्ड सीज अ विस्टा फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ ट्री एंड इमेजिन्स इटसेल्फ विजिटिंग फार वे लैंड्स। तो एक बच्चा जो है अपने आप को टॉप ऑफ ट्री तक लेके जाता है और उसके बाद इमेजिन करता है एक बहुत दूर के एक अजीब सी दुनिया की, एक अजीब से लैंड की। तो और विस्टा मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है विस्टा, विस्टा मीन्स होता है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये जो बच्चा है ना ये काफ़ी सारे इवेंट्स देखता है, एक के बाद एक कुछ इमेजेस देखता है। तो देखिए जैसे ही पोएम शुरू होती है हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है। अप इन टू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी। नाउ द चाइल्ड इज क्वेश्चनिंग दैट इस चेरी ट्री पर किसे चढ़ना चाहिए, और किसी को नहीं बल्कि खुद मुझे ही चढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट वो क्या बोलता है देखिए, आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुकड अब्रॉड ऑन फॉरेन लैंड्स। अब यहाँ पर ये जो ट्रंक वर्ड है इसे समझते हैं। ट्रंक मीन्स क्या होता है, जो पेड़ के जो मोटे मोटे तने होते हैं उसे हम ट्रंक भी बोलते हैं। तो ये बच्चा उस तने के सहारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद देखता है दैट वो अब्रॉड की तरफ देखता है। ओके, तो जब वो बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसे एक लैंड दिखाई देता है। उस लैंड का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ मिला है। और उसे क्या दिखाई दिया, एक फॉरेन लैंड्स दिखाई दिया। आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन lie and adorned with flowers before my eye and now he is saying that जब मैंने देखा तो मुझे नेक्स्ट डोर में क्या दिखाई दिया, गार्डन दिखाई दिया। ये इसकी फर्स्ट इमेजिनेशन है। देखिए उसे एक गार्डन दिखाई देता है अपने आंखों के सामने पड़ा हुआ बहुत बड़ा, जो कि फूलों से डेकोरेटेड है। adorned means क्या होता है, डेकोरेटेड, किसी चीज़ को और ज़्यादा डेकोरेट करना। सो द गार्डन इज़ एक्चुअली डेकोरेटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई। बिफोर माई आईज मीन्स इसके सामने जो नजर आया, जो इसे साइड दिखाई दिया वो एक गार्डन का दिखाई दिया जो कि कंप्लीटली फूलों से भरती था। एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। नाउ द बॉय इज सोविंग हिज एस्टॉनिशमेंट दैट ही हैज नेवर सीन एनी टाइप ऑफ वेरी प्लीजिंग प्लेस बिफोर। वो बोलता है कि मैंने कभी भी ऐसे प्लेसेस को पहले नहीं देखा है। चलिए थर्ड स्टैंजे की तरफ मूव करते हैं। आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास। अब देखिए आप इन दोनों लाइन्स को अच्छे समझने की कोशिश करिए। इस पोएम में यही दोनों लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे। वो क्या बोलता है, सबसे पहले देखिए स्काईज लुकिंग ग्लास ये जो है ना हम समझते हैं। लुकिंग ग्लास क्या होता है, आप मिरर समझ लो लुकिंग ग्लास को। तो ऐसा समझो दैट नीचे एक रिवर फ्लो कर रही है एंड द वॉटर इज वेरी प्योर क्रिस्टल क्लियर एंड दैट्स वाई वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स और द स्काई। ओके, ये स्काई की जो इमेज है ना ये यहाँ पर बहुत अच्छे से साफ दिखाई दे रही है। तो ये क्या बोल रहा है, आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास, मैंने देखा। डिम्पलिंग रिवर मीन्स क्या होता है, ऐसा एक सरफेस जो जिसमें बहुत सारे हॉलोज बने हो, बहुत सारे डेंट्स हो। हॉलोज एंड डेंट्स क्या होते हैं, जो हॉलो मीन्स जो थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है उसे हॉलो भी बोलते हैं, थिथला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा बिकॉज वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो उसने ऐसी रिवर को देखा जिसमें से पानी बहुत साफ है और वो क्लियरली साफ होके आगे बह रहा है। एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, और यहाँ पर जो रिवर जो है वो इस स्काई के लिए लुकिंग ग्लास का काम कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन विथ पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा, दैट द राइटर इज़ एक्चुअली कंपेयरिंग द रिवर विद द स्काई।
ओके तो ये जो कंपैरिजन है यहाँ पर हमें लाइक और एज वर्ड नहीं मिला, इसलिए ये हो गया मेटाफर। इस पोएटिक डिवाइस को हम मेटाफर बोलते हैं जब कंपैरिजन हो लेकिन हमें लाइक और एज वर्ड्स नहीं मिले। ओके अब देखिए, अब हम इन दोनों लाइंस को समझते हैं। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन विद पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन। अब देखिए यहाँ पर दो समझने वाली बात है, दैट रोड्स कभी भी डस्टी नहीं होते, उसके ऊपर जो धूल जम जाती है उसे हम डस्टी बोलते हैं, उसे डस्ट बोलते हैं। ओके तो ये जो फ्रेज़ है हम इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते, और जो रोड्स है ना वो ऊपर और नीचे की तरफ जा रही है। विद पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन, ट्रैम्पिंग मीन्स क्या होता है, ऑलवेज हरीड, ऑलवेज बिजी। तो जो पर्सन्स है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और ऑलवेज इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन था फर्स्ट, हमने देखा दैट बॉय ने इमेजिन किया कि उसे एक गार्डन दिखाई देता है जो कि कंप्लीटली फूलों से अडॉर्न है। सेकेंड हमने देखा कि बॉय एक रिवर को देखता है जिसमें कि डिम्पलिंग वाटर है एंड स्काइज का वो लुकिंग ग्लास का काम कर रहा है। एंड आफ्टर दैट द बॉय सीन्स दैट द पर्सन आर हरिंग हियर एंड देयर ऑन द रोड्स बिकॉज द रोड इज नॉट स्मूथ, यू नो, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं रोड्स वगैरह स्मूथ, बिल्कुल वैसा नहीं है। बिकॉज ये हो सकता है एक हिली एरिया को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अप एंड डाउन यू करते हैं। इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फार्दर एंड फार्दर आई कुड सी, नाउ द चाइल्ड इज सेइंग दैट मुझे अगर इससे भी ऊँची अगर कोई जगह मिल जाती तो मैं इससे भी आगे से भी आगे तक देख पाता। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इन टू द सी मूविंग द शिप। और उसके बाद देखिए ग्रोन अप रिवर मतलब क्या, जब रिवर एकदम कम्प्लीटली अपने पीक पर पहुंच जाती है और वो कहाँ फिसल कर गिरती है, हमें पता है दैट हर एक रिवर जो है ना वो अल्टीमेटली किसी ना किसी सी में जाकर मिलती है। तो वो बोलता है मैं वहाँ तक देख पाता जब जहाँ पर रिवर जो है सी में फिसल कर मिल जाती और जहाँ पर बहुत सारे शिप्स होते। ओके नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टू वेयर द रोड्स ऑन इधर लैंड लीड ऑन वर्ड इन टू फेरी लैंड। टू वेयर द रोड्स ऑन इधर लैंड लीड ऑन वर्ड्स इन टू फेरी लैंड। नाउ द पॉइंट इज, नाउ द चाइल्ड इज ट्राइंग टू से दैट मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये रोड्स आखिर जाते कहाँ हैं, लीड ऑन वर्ड इन टू फेरी लैंड, ये उस जगह तक जाते होंगे जहाँ पर फेरी लैंड, जहाँ पर परियों की दुनिया है, तो मैं वहाँ तक भी देखना चाहता हूँ। वेयर ऑल द children dine at 5, now he is talking about the fairyland, कि fairyland में जितने भी children रहते हैं ना वो 5 o'clock तक dine कर लेते हैं। dine means क्या होता है, dinner कर लेना। and all the playing प्ले थिंग्स कम अलाइव, और जहाँ पर जितने भी प्ले थिंग्स होते हैं, प्ले थिंग्स मीन्स क्या होता है, टॉयज़ वगैरह, वो क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। इट मीन्स जो जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं जो नॉर्मल लैंड में खेलते हैं तो वो क्या लाइक वो नॉर्मल जो हॉर्स है उन सबसे खेलते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, वो हॉर्स भी अलाइव होगा। तो देखिए जैसे हम इमेज में देख रहे हैं, आप इमेज से देखने कर समझने की कोशिश करो। एंड ये थी हमारी पोएम जो कि रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने लिखी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल, एंड कमेंट करके बताइए आपको ये पोएम कैसी लगी। अगर आपको और भी कोई चैप्टर समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।